हाय गाइस, रणवीर दिया, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो सबसे पहले आप सबको गुरुपुरब की लख लख बधाइयाँ। आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है और मैं कोशिश करता हूँ कभी ऐसा कोई त्यौहार का दिन आता है तो मैं गुरुद्वारे जाऊँ, मत्था टेकूँ। आप लोग को तो पता ही, अगर आप लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो यहाँ पर न्यू जर्सी में जहाँ पर मैं रहता हूँ, आजू बाजू में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं। कोई 30 मिनट दूर है, कोई 40 मिनट दूर है, कोई 1 घंटा दूर है। तो आज पहली बार एक 30 मिनट दूर एक गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाने वाला हूँ। और कल मुझे कीर्ति जी का मैसेज आया था, अगर आपने मेरा दिवाली वाला व्लॉग देखा, उनके घर पे हम लोग सेलिब्रेट करने गए थे, तो उनके साथ मैं जाने वाला हूँ आज गुरुपुरब सेलिब्रेट करने के लिए। रेशमा इधर हमारे साथ है। रेशमा, हेलो। रेशमा नहीं आ रही ना? मैं नहीं आ रही क्योंकि मेरा काम है। रेशमा नहीं आएगी क्योंकि रेशमा को काम पे जाना है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस में जाके कुछ एडिटिंग का काम है, वो काम निपटाऊंगा और उसके बाद वहाँ से सीधा मैं घर जाऊँगा, घर जाके चेंज करूँगा, चेंज करने के बाद सीधा गुरुद्वारे मिलेंगे। देखो भाई, मैं ऊपर जा रहा हूँ ऑफिस में और ऑफिस की फुटेज ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, बट आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ये जो चश्मे मैंने लिए हैं अभी नए लिए हैं, कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। ऑफिस में आया था मैं और यहाँ पर घड़ियाँ लगी हुई थी, बंद थी, तो मैंने बैटरीज चेंज की हैं, बैटरीज नहीं डाल के लगा देते हैं। चीज एंड बाय 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 रूपा बाय बाय। देखो भाई, फाइनली कीर्ति जी इधर आ गई मुझे पिकअप करने के लिए। मैं उनके साथ ही जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आज गाड़ी नहीं है। और मतलब मैं 3 बजे गया था ऑफिस काम के लिए और मेरा 5 मिनट का काम था, 8 बज गए मुझे यार, वेट करते 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 करते। और मेरी बॉस है यार, बॉस ने कुछ कह भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते कि कहो कि बॉस जल्दी जल्दी कर दो यार। पाँच मिनट था मेरा वॉइस ओवर था काम सी का, मैं बैठा रहा मैं क्या हूँ बोलूँगी। वो अपना को दूजा काम कर दी रही, पर उन्होंने कुछ कह भी नहीं सकते। वो कहोगी समझ, बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट। 7 बजे हमारा काम खत्म हुआ, फटाफट मैं घर गया, घर जाके नहाया, फटाफट कीर्ति जी ने मुझे पिकअप किया और अभी हम लोग जा रहे हैं गोवा। बहुत भीड़ है यार गुरुद्वारे में, बाहर तक गाड़ियां खड़ी हैं, देखो इधर तक खड़ी है। चलो अपन अंदर ट्राई करेंगे गाड़ी पार्क करने की, चलो मिल जाएगी। चलो भाई, हम लोग पहुंच गए यहाँ। गुरुद्वारे का नाम है नानक मिशन गुरुद्वारा ओकलैंड, थोड़ा मॉडर्न नाम है लेकिन है तो हमारा गुरुद्वारा। तो अभी पहुंचे यहाँ पर, बहुत भीड़ थी, गाड़ी पार्क करने में थोड़ी सी तकलीफ हुई, इतनी सी तकलीफ हुई, अगर हम लोग ने स्मार्टली खेल दिया, कीर्ति जी ने फटाफट, यहाँ पूरी पार्किंग फुल है तो हम लोग ने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी। अभी अंदर जाते हैं, अंदर जाके पटका लेते हैं, पटका बांधते हैं, मत्था टेकते हैं। और मुझे बहुत भूख लग रही है, आपने देखा कि दोपहर से मेरे साथ क्या सीन हो रहा था, तो लंगर छकेंगे बाद में। पहले मत्था टेक लिया, पता लगा कीर्ति जी को मैं भी अपने साथ, वो तो जाके गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगी बैठेंगी, पर पता लगा कि मेरे साथ वो भी जा रहे हैं खाना खाने के लिए लंगर। सत श्री अकाल जी, हैप्पी गुरुपुरब जी। बेस्ट है पापा जी का प्रसाद खा के, जो मजा आता है ना वो कहीं नहीं आता है। अभी टाइम हो रहा है 8:45 और हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे और यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है। ऐसे आप लोग पूछे तो तरह तरह के खाने बन रहे हैं, गरम गरम जलेबी भी बन रही है, गुलाब जामुन, यहाँ पर फ्रूट्स पड़े हैं।
जी थे जो आज जिन्होंने आके मुझे पूछा कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो मैं कह रहा मेरी people want to know what are you doing, तो मैं मेरी ऑडियंस में वही कह रहा कि कितने भी चले जाओ, बट व्हेन यू गो टू एनी पंजाबी लाइक या फंक्शन हो जाए या गुरुद्वारे चले जाओ, अपने पंजाबी हैं जो मना नहीं करते कि डोंट रिकॉर्ड एंड डोंट डू एनीथिंग. वेलकम कीर्ति जी को यहाँ पर सारी जनता जानती है, जो भी आ रहा है कीर्ति जी को मिलके जा रहा है. समाप्ति हो जाएगी उसका सब, अपने घर पे चले जाएंगे, बट अभी बज रहे हैं 9. मैं भी सोच रहा हूँ रोटी खाइए अभी मुझे भूख लग रही है. मैं कब से यहाँ पर बैठा हूँ, देख रहा हूँ पब्लिक आ रही जा रही, मुझे सुकून मिल रहा है देख के, और ऐसा यहाँ पर आके वो मुझे वाइब आ रही है कि मैं इंडिया से दूर आया ही नहीं हूँ. इतने सारे मतलब अपने लोगों को देख के जो मज़ा आता है ना, जो आनंद मिलता है ना, वो मैं आपको अभी बता नहीं सकता. वो अगर आप कहीं दूर जाओगे, अगर आप दूर रहते तो आपको पता रहेगा. यू नो इट राइट? बस तो कीर्ति जी तो वहाँ पर कुर्सी में बैठ के आराम से खा रही, शायद उनको नीचे बैठा नहीं जाता है. मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ और मैंने पनीर, सेवैयाँ, दही भल्ला, दाल और चावल अभी मंगाए. अभी रोटी आ जाएगी, प्रसाद खाता हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं. लंगर छकरा था और बाजू में मिले पंजाबी हो. मैंने लग गया तुझे अमेरिकन सारे कहते हैं कितनी पानी के नाल हीलिंग करते हैं बहुत ज्यादा अपने एक्सपीरियंस. चलो भाई लंगर मैंने दबा के खाया और अभी टाइम है जलेबी का. तुझे खा ली? मैं तो खा ली. चीटिंग की है, यहां चीटिंग हुई है, पहले जाके खा के आ गए हैं. 20 साल हो जी जलेबी बना ले तानो हजे सुती नहीं कर रही है. खाओ जलेबी, खाओ जलेबी, खाओ. थैंक यू सो मच. बधाइयाँ आपकी, बहुत सानू भी बहुत 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 बधाइयाँ. चढ़ती कल रखे जी आज देशों देश हमारा जो चैनल देख रहे सब्सक्राइब करें ते अपने घर खुश रहें. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह. क्या बात, थैंक यू सो मच. खीर और जलेबी, बाप रे इतना काब्स. तुझे खानी है? गरम गरम जलेबी खाने का मज़ा अलग ही है. पतली बनी और ये जो यहाँ पर आके मैं बैठ गया हूँ, यहाँ पर मोस्टली थोड़े बुजुर्ग लोग आके बैठते हैं जिनको नीचे बैठा नहीं जाता है, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ और वहाँ से एक अंकल जी आए, बोलते हैं कुछ चाहिए क्या आपको? अंकल जी मैं तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, मतलब गरम गरम जलेबी खाई है मैंने, पता नहीं ये किसकी जलेबी है, कोई छोड़ के गया, ये मेरी जलेबी नहीं, मेरी जलेबी मैंने खा ली है, पूरी खाई है जलेबी मैंने, पूरी जलेबी खाई हमने. यूजुअली जब भी मैं गुरुद्वारे आता था पहले, मैं पहले आके मत्था टेकता था, सेवा करता था, बाद में लंगर छकता था. वैसे मेरे ब्रदर यहाँ पर सेवा करे जा रहे हैं. ब्रदर क्या नाम है तुम्हारा? अमरमीत. अमरमीत, अमरमीत व्हेन डिड यू कम हियर गुरुद्वारा? अराउंड 8 बजे आए हैं और तब से सेवा कर रहे हो. लंगर भी चेक किया, लंगर भी चेक किया, मत्था भी टेक किया, लंगर भी चेक किया. आई बीन वॉचिंग हिम, वो यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं और पूरा अभी क्या लोग आए इतना खाना पीना खा के सब जा रहे हैं साफ सफाई के लिए. आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा. व्हाट डू यू थिंक, कितने बजे तक काम निपट जाएगा? चलो चलिए, ये के लिए थैंक यू सो मच. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. ओहो ठंड. चलो तो फाइनली अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग और बहुत बहुत ज्यादा नज़ारे आ गए, मजा आ गया. गुरुद्वारे आया, मत्था टेका, लंगर छका और क्या चाहिए, शांति मिल गई, शांति शांति मिल गई. और आज बाबा जी का जन्मदिन है तो इससे अच्छी बात क्या है. पहले मैं जब ऑफिस गया ना, मैंने लग गया यार आज शायद नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैंने इतना बुरा लग रहा है. पर मैं विचार करके बैठी थी कि तुम्हें लेके ही जाना आज की सही हालत. कभी कभी इस तरह ना कहीं मौका मिलता है जाना. और फिर मुझे इतना बुरा लगने लग गया कि यार मैं क्या करूँगा, ऑफिस में इतना लेट हो जाएगा. बट बाद में मैंने कॉल किया, गुरुद्वारे में कॉल किया था, उनसे मैंने पूछा कि कितने बजे तक गुरुद्वारा ओपन रहेगा. उन्होंने बोला 10 बजे तक है, टेंशन मत लो. बोला ठीक है, आराम से जा सकते हैं. ठंड बहुत है, बहुत ठंड है. आज तो प्रेडिक्शन ये है कि रात को और भी ज़्यादा टेम्परेचर नीचे गिरने वाला है. ले मैं चला लेना चंगा, गाड़ी मैं ही चला लेता हूँ अभी.
तो अभी मैं गाड़ी चलाता हूँ, यहाँ से निकलते हैं, घर जाते हैं, घर जाके मैं आपसे मिलता हूँ, वापस बात करूंगा। कीर्ति जी को आप लोग सब लोग बाय बोल दो। बाय, गुड नाइट। और कीर्ति जी की यहाँ पर एज अ वर्किंग वुमन लाइफ कैसी है वो मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ आप लोग को बताऊंगा, कि उनका एक बड़ा सा बेटा है उसको हैंडल करना और अपनी लाइफ हैंडल करनी, और इनका एक बिजनेस है अच्छा खासा वो उसको हैंडल करना, वो सब करती हैं कीर्ति जी। तो आते वक्त हमारी बात हो रही थी तो मैंने बोला यार आपकी लाइफ तो डॉक्यूमेंट करनी चाहिए और सबको बताना चाहिए एज अ वर्किंग वुमेन यहाँ पर आपकी लाइफ कैसी है। चलो भाई फाइनली यहाँ घर पहुँच गया हूँ, और घर पहुँचा तो इधर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे, मैंगो क्या हुआ, व्हाई यू स्क्रीमिंग सो मच, हाँ तू इधर आके बैठ, व्हाट हैपेंड मैंगो, यू ओके, डिड यू मिस मी, हाँ जी वाहेगुरु जी का खालसा। ये कोई खाएगा प्रसाद, कड़ा प्रसाद है, थैंक यू, शेयरिंग इज केयरिंग, मशरूम चिकन अनियन, और नहीं अभी मैं प्रसाद खा के आया हूँ, वो अच्छा है, आप लोग खा लो, नहीं वो भी खाओ, वो भी खाओ, वो भी आप ही खाओ, खाएगा तेरा मेरा कोई दुश्मनी है, वापिस से वापिस से बर्तन धो रहा है तू, वन सुधर जा। मैंने इन लोगों को पहले से बोला था कि आ जाओ, श्रद्धा को मैंने स्पेशली बोला था और श्रद्धा नहीं आया, उसको कुछ काम था। मैं अभी उन लोगों को बोल रहा था कि वहाँ पर मैंने लंगर में क्या क्या खा के आया हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आया जलेबी खाने में, जलेबी वॉज रियली रियली नाइस। चलो भाई सारे अपने दोस्तों को प्रसाद दे दिया, उन लोग प्रसाद खा रहे हैं आराम से, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आना। एंड क्या हुआ, व्हाट हैपेंड मैम, क्यों है ऐसे, हेलो टू एवरीबॉडी, से हेलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल एंड प्लीज बी सेफ। प्लीज कॉमेंट एंड लेट मी नो इसका क्या करूँ, क्या मैं खा जाऊँ, और अगर आप लोग भूल गए तो मैंगो हेलो करेगा आपको, मैंगो से हेलो, से हेलो मैंगो, गुड जॉब मैंगो, गुड जॉब माई बेबी, अभी देखो ऊपर सर पे आके